Now I continue limit again. Next method, this is factorization method. In concepts building classes, all of welcome. Now we continue factorization method, evaluation of some limits. How to factorize? By the factorization method, we find the limit of certain polynomial equation. Okay. Suppose we have to find limit x tends to a. Here this is a, okay? Here function f of x by g of x, which is form 0 by 0 form. If we x put this in this function, both function, we get the value 0 by 0 form. Then to evaluate this limit, we factorize numerator and denominator, and then put x equals to a, okay? First kya karenge? Numerator means, numerator or denominator ko kya karna hai? Factorize karna hai, uske baad put kar dena hai x equals to a. If you get a meaningful number, then that number is the required limit of this limit ka, function ka. Otherwise, we repeat this process till we get a meaningful number. Hum tab tak karenge factorization, jab tak ki mujhe ek definite value nahi mil jaye jisse bhi valid ho. Zero by zero form hat jana chahiye. Okay. To next, hum dekhte hain. Now, some notes hai, jo aap dekhen. एक नोट है इफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर इसका वैल्यू निकालें तो वो जीरो अगर हो रहा है तो देन हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए जो है इसका क्या है इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स का. अगर x इक्वल्स टू a पे पी ऑफ x का वैल्यू निकालें और वो जीरो हो जाता है तो x माइनस ए इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा वेयर पी ऑफ x डिनोट्स द पॉलीनोमियल इक्वेशन यू नो पॉलीनोमियल इक्वेशन है ओके या फंक्शन बोल सकते हैं या इक्वेशन. तो आपको पता होगा पॉलीनोमियल क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं 8 क्लास 9 10 में ही था पॉलीनोमियल इक्वेशन मीन्स पावर 2, 3, 4 इस तरह से रहेगा. तो ये क्या हो गया अगर इस तरह होगा तो हम क्या कहेंगे x माइनस ए इसका क्या है फैक्टर है. अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे डील करते हैं. तो एक क्वेश्चन देखते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस टू ओके एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 है ओके. अब हमको क्या करना है इसी बेस्ट पे है. अब आप यहाँ पे माइनस 2 इसमें रख के देखें आप देखिएगा अगर रखिएगा तो ये 0 by 0 का फॉर्म हो जाएगा ओके. क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस 2 रखेंगे तो -8 और ये -8 -16 और ये प्लस 4 और 12 तो 16 हो गया तो ये हो गया 0. अगेन फी हियर की वैल्यू ऑफ द माइनस 2 तो -8 और प्लस तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 यहाँ पे भी तो ये 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है ओके. तो ना हम क्या करें इसको फैक्टराइज करेंगे. तो फैक्टराइज कैसे करेंगे तो यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा वैल्यू है जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो आप देख सकते हैं माइनस 2 अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सभी टर्म 0 हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए a अगर 0 a अगर इसका फैक्टर होता था x इक्वल्स टू a तो हम क्या लिखते थे x माइनस ए इसका फैक्टर होगा ओके किसी पॉलीनोमियल का. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा माइनस 2 हो रहा x इक्वल्स टू माइनस 2 हो रहा एक स्थान पे क्या हो गया माइनस 2. तो जब हम x माइनस ए लिखेंगे तो एक स्थान पे क्या हो गया आपका माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. इसका मतलब क्या है x प्लस 2 इसका क्या हो गया आपका फैक्टर हो गया. तो अब हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करके उस तरह से अरेंज करना है. तो क्या करें x प्लस 2 लिखे. अब मैं ये क्या लाना है x 3 लाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें. अब जब कर दिए x प्लस 2 अगेन फिर x प्लस 2. अब देखिए यहाँ पे x क्यू तो आ गया. अब यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या लाना है मुझे x स्क्वायर. तो मुझे क्या करना होगा माइनस x से मल्टीप्लाई करना होगा तब तो आएगा क्योंकि ये 2x स्क्वायर है ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा दोनों को. अब अगेन फिर क्या करना है यहाँ पे माइनस 2x आ रहा है और लाना क्या है मुझे
प्लस फोर एक्स, तो मुझे यहाँ पे कितना से करना होगा, प्लस से करना होगा, क्योंकि माइनस टू एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिक्स, तब तो सिक्स एक्स माइनस टू एक्स होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस फोर एक्स आ जाएगा, और सिक्स टू जा ट्वेल्व, ये ट्वेल्व भी आ चुका, तो ऊपर का तो फैक्टराइज हो गया। अब मैं नीचे का करता हूँ, अगेन वी टेक एक्स प्लस टू फैक्टर, क्योंकि यहाँ भी अगर आप माइनस टू रखेंगे तो माइनस एट, अब प्लस सिक्स, अब प्लस टू, तो सिक्स टू एट, आइए माइनस एट, तो जीरो आ गया। इसका मतलब एक्स प्लस टू, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, इस फंक्शन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस टू का भी एक क्या है, फैक्टर है। तो हम यहाँ से भी करेंगे, तो एक्स क्यू लाएंगे, तो एक्स क्यू लिखें, अगेन एक्स प्लस टू, ओके, और अगेन एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू तो आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लाना है, माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं लाना है यहाँ पे, तो जो भी एक्स स्क्वायर का होगा तो उसको क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर लिखे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी माइनस टू एक्स लाना है मुझे, टू एक्स स्क्वायर, तब तो जाके एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आ गया तो ये क्या हो गया आपका, थ्री, सॉरी टू, ये टू है, तो टू टू जा फोर, माइनस फोर एक्स आ गया, यहाँ लाना कितना है, माइनस थ्री एक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ एक्स होगा माइनस फोर एक्स, तो माइनस थ्री एक्स, और ये वन इंटू टू करेंगे तो ये भी टू भी आ गया, तो अब मेरा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू, अब एक्स प्लस टू देखिए इसमें भी है, इसमें भी, सब में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस टू को, अब जो बचेगा उसको लिखे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स, नीचे में क्या बचा, एक्स प्लस टू यहाँ भी है, और जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हो गया। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स प्लस टू माइनस टू यहाँ रखिए आप, माइनस टू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस टू, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं हो रहा, बट यहाँ देखें अगर यहाँ माइनस टू रखते हैं तो ये फोर, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस फोर, तो आप यहाँ पे आप रख सकते हैं वैल्यू डायरेक्ट। अब जब वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस सिक्स, अब बाय कितना हो जाएगा आप बताइए, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस टू, अब प्लस वन, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो फोर प्लस टू प्लस सिक्स, अब बाय कितना हो जाएगा, फोर प्लस फोर प्लस वन, तो आप चार टू फोर टू सिक्स सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व थे नाइन, तो इसको फिर से कट कर दें, थ्री थ्री, थ्री थ्री जा थर्टी नाइनटीन नाइन, और थ्री फोर जा, तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, फोर बाय थ्री। तो इसका इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है, तो आपको फैक्टर चेक करना है कि किस पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है, और उसके बाद देखना है कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट करें, किस तरह से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद कि ये वाला फिर आ जाना चाहिए, इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं ना फ्रेंड्स, वन क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स पावर सिक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव बाई एक्स क्यू माइनस टू थ्री एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा है जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस फंक्शन को। अब देखिए वन रख के देखें, तो वन यहाँ रखेंगे तो वन हो जाएगा, और प्लस फाइव सिक्स, और यहाँ वन रखेंगे तो माइनस सिक्स, तो ये तो क्या हो रहा है, जीरो कर रहा है। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू माइनस, एक्स इक्वल्स टू वन इसका क्या है, एक फैक्टर है। इसका मतलब हम एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर बता सकते हैं, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वन इसका अगर इस फंक्शन को जीरो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर होगा जो एक्स माइनस ए होता है, तो एक्स माइनस ए का एक स्थान पे क्या है, वन, तो एक्स माइनस वन इसका क्या हो गया, फैक्टर। अगर नीचे वाला को चेक करें तो वन और प्लस टू तो थ्री और माइनस थ्री, तो ये भी इसका मतलब एक्स माइनस वन इसका भी फैक्टर है। तो अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे सभी को फैक्टराइज कर देते हैं। तो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन, ओके, तो एक्स माइनस वन देखिए सिक्स पावर है तो ये सिक्स बार होगा, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सिक्स बार, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, फोर एक्स माइनस वन, अगेन एक्स माइनस वन, ओके। अब देखिए इसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे लिखने में,
मैं इसको सिक्स टाइम लिख लिया हूँ, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैलेंस करने का प्रयास करता हूँ। अब एक्स सिक्स लाना है तो क्या करेंगे, एक्स पर पावर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब मुझे एक्स पे पावर फाइव का टर्म लाना ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे माइनस एक्स पर फाइव आएगा, तो यहाँ पे क्या लाना चाहिए आपको, प्लस एक्स पर पावर फाइव। तो हम क्या करेंगे, प्लस एक्स पर पावर फोर कर देंगे यहाँ से, ओके। थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिएगा, वॉइस पे डिपेंड कीजिएगा यहाँ पे, तो क्योंकि बहुत स्पेस कम है। तो एक्स पावर फोर कर दिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स पावर फाइव और एक्स पावर फोर। अब देखिए यहाँ एक्स पावर फोर भी नहीं है, तो एक्स पावर माइनस आ रहा है, माइनस में एक्स पावर फोर आ रहा है, तो यहाँ भी आना चाहिए प्लस में, तो प्लस एक्स पावर क्यूब कर दी, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्यूब का भी टर्म नहीं, तो माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ भी प्लस एक्स क्यूब आना चाहिए, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है ही नहीं एक्स स्क्वायर का टर्म अगेन, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से अगेन फिर किस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो प्लस एक्स से कर देते हैं, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डिलीट करना होगा, इससे बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा भी, तो यहाँ पे कितना लाना, एक्स स्क्वायर नहीं लाना है, तो यहाँ पे कितना से लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर तो नहीं लाना है ना, क्योंकि हाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है, लाना कितना है आपको, माइनस सिक्स एक्स, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस फाइव से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस फाइव से करेंगे और माइनस एक्स, तो माइनस सिक्स एक्स। अब माइनस माइनस प्लस, तो फाइव इंटू वन, तो फाइव हो जाएगा, वो भी आ गया। अब नीचे का आराम से, नीचे तो थोड़ा सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगेन एक्स माइनस वन एक्स एक्स माइनस वन, ये तो आसान है, क्योंकि अब देखिए x ये तो आसान है, इसको तो आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो लिमिट अब x टेंस टू वन है, अब इसमें क्या करते हैं, x माइनस वन सभी से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए, तो या क्या बचेगा, x पावर फाइव प्लस एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वन यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब यहाँ से x माइनस वन क्या हुआ, कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे फिर अगेन वन रखिए, तो वन अगर रखेंगे x इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे देखिए तो टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस फाइव जीरो, बाय यहाँ पे जीरो आ गया। अगेन आप वन रखें यहाँ पे, यहाँ भी टू माइनस टू आ गया, और टू माइनस टू जीरो हो गया, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म फिर आ रहा है। तो अगेन इसको आप फैक्टराइज कीजिए, और x इक्वल्स x माइनस वन ही इसका फैक्टर हुआ, क्योंकि x इक्वल्स टू वन इसको अगेन जीरो कर रहा है। तो अगेन आप करें एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, फोर हुआ अगेन एक्स माइनस वन। अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस कीजिएगा किसको, ये वाला टर्म को, तो एक्स पावर फोर लगाना पड़ेगा, एक्स पावर फोर यहाँ पे है, ठीक है, इसको भी लाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कर देंगे, तो टू एक्स क्यू कर देते हैं, ओके। 2x क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x 4 और माइनस एक्स फोर, तो प्लस एक्स फोर आ गया। अब यहाँ पे माइनस 2x क्यूब आ रहा है, यहाँ पे क्या लाना है, प्लस एक्स क्यूब, इसका मतलब प्लस 3x स्क्वायर करना होगा, क्योंकि प्लस 3x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, तो प्लस एक्स क्यूब अगेन, यू कैन सी हियर प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ लाना है प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगेन क्या करना होगा, 4x से करना होगा, तब तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस है, 4x से मल्टीप्लाई किया, ओके। अब यहाँ पे माइनस 4x हो गया, अब यहाँ पे लाना है क्या, प्लस x में, तो माइनस 4x में प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 करेंगे तो 5x और माइनस 4x, तो x आ गया, हाँ ये माइनस 5 भी आ जाएगा, तो ये हो गया। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वन एक्स माइनस वन, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, और यहाँ लाना है कितना, प्लस में x, तो प्लस टू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स प्लस टू एक्स, अब माइनस टू ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स फिर कॉमन हो रहा है, तो एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया आप, एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अब प्लस फाइव, इतना आ गया। अब बटे में क्या आ गया, एक्स माइनस वन अगेन एक्स प्लस टू आ गया, नीचे एक्स माइनस वन कैंसिल। अब देखिए वैल्यू पुट करके, अब देखिए कोई निगेटिव है ही नहीं यहाँ पे, क्या है, एक्स जब वन रखेंगे तो ये
सिर्फ पॉजिटिव ही टर्म देगा, क्योंकि है ही नहीं निगेटिव टर्म जो कि कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी कोई जीरो नहीं होगा। तो अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2, कितना आ जाएगा वैल्यू, डायरेक्ट बोलें 3 × 5 = 5 = 10 = 20 / 3, तो ये इसका आंसर आपका, ओके सॉरी ये 15 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 × 5 क्या हो जाएगा 5, तो इसका जो आंसर होगा इस लिमिट का आंसर क्या आएगा आपका 5 आंसर होगा। ओके तो यहाँ से 5 आ रहा है, 3 × 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब तक नहीं ये 0/0 फॉर्म हटेगा तब तक आपको इस तरह का फैक्टराइज करते जाना है, ओके, और अंटिल जब तक कि एक डिफिनिट वैल्यू नहीं आ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड का भी इम्पोर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। हम इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी के वैल्यू के बराबर, सपोज करें आपके पास, सपोज वी हैव टू फाइंड, लिमिट दिया हुआ है आपको x → a, ओके f(x) है, और इसका वैल्यू जब निकालें तो आप 0/0 फॉर्म में, ओके और यहाँ पे क्या है कि वेयर x यहाँ पे ये जो a वैल्यू है ये 0 नहीं है, ओके ये यहाँ पे क्या है 0 नहीं होगा तब उस कंडीशन में। तो इसको हम इवेल्युएट करने के लिए, टू इवेल्युएट दिस लिमिट वी पुट x = a - h और x = a + h अकॉर्डिंग टू जैसा मेरा होगा, इटबल CORDING अकॉर्डिंग एज नीड, जैसा नीड हमको ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से, अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द प्रॉब्लम, ओके प्रॉब्लम वेयर h यहाँ पे जो होगा h अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ओके अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके h यहाँ पे क्या है वेरी वेरी अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ओके हम क्या करेंगे x = a - h या x = a + h को पुट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जिसकी नीड होगी उस तरह से हम पुट करेंगे, ठीक है, इस तरह का फॉर्म हुए। तो अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे लिमिट θ → π/2 है, ओके 1 - sin θ है, अब बाय π/2 - θ² है, ओके अभी आप यहाँ देखें 0 रखेंगे π/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 = 0, और यहाँ भी रखेंगे π/2 तो ये 0/0 के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो θ → a है ये a क्या है π/2 है जो कि 0 नहीं है। तो इस तरह के फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x → x = a - h और a जो रहता है यहाँ पे π/2 होता है, तो x → क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2, तो थीटा लिखें तो θ → क्या हो जाएगा π/2 - h। अब जब आप θ यहाँ रखेंगे तो अब क्या करेंगे आप थीटा के स्थान पे क्या करेंगे आप वहाँ पे रखेंगे π/2 - h को, ठीक है, यहाँ पे लिमिट में। तो जैसे रखेंगे आप लिमिट थीटा के स्थान पे क्या हम पुट कर रहे हैं π/2 - h और x → क्या है π/2, तो ये π/2 से π/2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ भी थीटा है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे π/2 - h, तो 1 - sin π/2 - h, ओके नीचे भी रखेंगे उसी तरह से π/2 - यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 - h हो जाएगा, और इसका क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दे ऊपर, अब क्या हो जाएगा ये लिमिट ये -h → 0 है तो इधर जाएगा तो भी तो ये क्या हो जाएगा h → 0 रहेगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा h → 0 हो जाएगा, जिसको सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है, तो h → 0 हो गया 1 - और sin 90 - थीटा क्या होता है आपका cos θ, नीचे देखें इसको करेंगे प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका दोनों, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा तो नीचे क्या हो गया h² हो गया। और आप इसको तो हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आप इसका क्या करें डायरेक्ट आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप खुद
आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप खुद इसका वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, अब बाय एच स्क्वायर। ओके, इसी को सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन एच बाई टू, नीचे भी एच बाई टू होना चाहिए तभी तो फार्मूले पे लाएंगे इसको। अब इसको पूरे पे क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ एच स्क्वायर होगा और बाय फोर भी होगा, तो यहाँ पे फोर जब आएगा नीचे तो इसको फोर से क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई भी तो करना होगा क्योंकि बैलेंस करना होगा, फोर तो यहाँ था नहीं, तो टू एक था ऊपर में, टू रहने देते हैं, तो ये टू से क्या हो जाएगा, वन बाई टू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू, एच बाई टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ये वन बाई टू था और वन का स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, तो वन बाई टू हो गया। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आप खुद इसमें एडजस्ट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जू एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर की वैल्यू जो होता है वन बाय टू होता है, तो आप खुद से भी करने लगेंगे जब आप मोर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। लिमिट एक्स टेंस टू वन कॉस पाई एक्स बाय टू, ओके, बाय वन माइनस एक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे फिर देखें, एक्स वन जब रखेंगे तो ये जीरो, अगेन यहाँ पे कॉस पाई बाय टू जीरो। ओके, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गया, तो फिर से पुट करते हैं, हम क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच, एक स्थान पे क्या है यहाँ पे वन, वन माइनस एच पुट कर दी। ओके, अब मैं जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या करेंगे, वन माइनस एच पुट करेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन माइनस एच टेंस टू वन, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस पाई बाय टू, वन माइनस एच रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वन माइनस क्या रखेंगे, वन माइनस एच, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे क्या बचा, प्लस एच बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और एच टेंस टू जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाय टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो सीधा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप जाने कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन में आ जाएगा, साइन पाई एच बाय टू हो जाएगा, क्योंकि इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई एच बाय टू, तो 90 माइनस हो जाएगा पाई एच बाय टू, तो पाई एच बाय टू हो गया। ओके, क्योंकि कॉस पे 90 होता है तो चेंज हो जाता है साइन में, तो नीचे क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल, तो एच हो गया। अब क्या हो गया, इसको क्या एडजस्ट करना है, पाई एच बाय टू है तो पाई एच बाय टू लाना है, तो पाई एच बाय टू लिखे, तो अगर इतना लिखेंगे तो ऊपर बैलेंस भी करना पड़ेगा आपको, पाई बाय टू कर दिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और वन हो गया तो वन इंटू पाई बाय टू, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गया, पाई बाय टू इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू एक्स अब पावर क्यूब है। ओके, अब यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं पाई बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, अगेन ये जीरो, तो ये क्या आ गया जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया, तो फिर अगेन क्या पुट कर सकते हैं, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे आप, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे पाई बाय टू ए माइनस एच, तो पाई बाय टू माइनस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, अगेन अब यहाँ पे पुट करें लिमिट एक्स, अब यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे पाई बाय टू माइनस एच टेंस टू पाई बाय टू, तो ये कॉट के स्थान पे जहाँ भी एक्स है वहाँ पे पाई बाय टू रखें, कॉट पाई बाय टू माइनस एच माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस, ये क्या है टू, एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई बाय टू माइनस एच, अब पूरे पर पावर क्या है क्यूब, अब आप क्या देखें ये इससे कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, ये देखिए माइनस है दोनों साइड, फिर से इधर जीरो आ जाएगा, तो माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच ही तो आ जाएगा, और जीरो में प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो कॉट पाई बाय टू माइनस क्या हो जाएगा टेन, टेन एच हो जाएगा, और कॉस कहाँ चला जाता है, कॉस जाता है साइन में, तो साइन एच हो गया, बाय में कितना हुआ अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस टू एच, तो प्लस टू एच का क्यूब हो गया। ओके, अब इसको साइन को क्या करें, साइन कॉस में चेंज कर लें, तो साइन करेंगे चेंज तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बटे कॉस एच, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, तो साइन एच हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस एच जब जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एच इंटू
cos h होगा। अब बाय क्या होगा, नीचे चला जाएगा cos h। ओके, इसको हम क्या किए, साइन बाय कॉस में चेंज कर दिया, फिर एलसीएम ले लिए, तो साइन एच हो जाएगा इधर, इधर फिर जाएगा तो कॉस नीचे था तो इधर कॉस एच मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर नीचे चला जाएगा कॉस एच और टू एच का क्यूब, तो मतलब क्या हो जाएगा ये 8h का क्यूब हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, 8 क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको क्या करेंगे बाहर कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब साइन एच क्या है, कॉमन है दोनों में, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे आप, तो कॉस एच हो गया। अब बाय क्या आ रहा है नीचे, कॉस एच इंटू एच का पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हैं, यहाँ पे 1/8 लिमिट, देखिए एच टेंस टू जीरो। अब देखिए साइन एच बाय एच, एक ये हो गया, एक 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर, अभी आप जस्ट इसका फाइंड किए थे इस तरह का फॉर्म का, और नीचे क्या बचा फिर कॉस एच बचा। ओके, और कॉस का तो कोई जीरो रखेंगे तो 1 होता है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों क्या हो गया फार्मूले पे आ गया, इसका वैल्यू अभी क्या बताए थे, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर, क्योंकि इसको फिर ब्रेक करेंगे तो 2 sin² h/2, इसका वैल्यू जो आता है 1/2 होता है, तो 1/8 और लिमिट साइन एच बाय एच क्या हो जाएगा 1, इसका 1/2 और इसका अगेन 1/1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका आंसर होगा इसका 1/16। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते, एक और है इस फॉर्म में, इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट करते हैं, कैसे इवेल्यूएट करते हैं, अगर इस फॉर्म में ऑफ द फॉर्म अगर हो, सपोज करें इस फॉर्म में 0 × ∞। ओके, 0 अगर इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर आ रहा है तो इस तरह के हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। तो सपोज लिमिट है x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड अगर इस फॉर्म में हो, सपोज करें कि लिमिट x टेंस टू a था, ओके, इंटू जी ऑफ एक्स था, ओके, तो सपोज करें कि एफ ऑफ एक्स का 0 आ रहा था, जी ऑफ एक्स का इन्फिनिटी आ रहा था, ओके, तो वेयर जब वैल्यू फाइंड करें, तो लिमिट अगर फाइंड करते हैं x टेंस टू a पे एफ ऑफ एक्स का, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0, एंड लिमिट x टेंस टू a पे जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकालनी चाहिए वो क्या आना चाहिए आपका, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इसको इवेल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, इसी लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स, हम क्या करेंगे इसको 0/0 के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी है, तो अगर मैं इसको जी ऑफ एक्स को 1/gx लिख दूँ यहाँ पर, इसी टर्म को एफ ऑफ एक्स यहाँ ऊपर में, अब जी ऑफ एक्स को 1/x लिख दी, 1/gx लिखी, तो अगेन फिर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई चेंजिंग तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो 1/∞ क्या होता है आपको बता चुके हैं, ये 0 हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स भी 0 है, तो ये क्या आ गया 0/0 का फॉर्म आ चुका है। तो इस तरह से लिख के उसके बाद हम करेंगे इसका सोल्यूशन। तो कैसे करेंगे इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कॉस पाई एक्स इंटू कॉट स्क्वायर पाई एक्स है, ओके, इसी का लिमिट आपको निकालना है। अभी आप पुट कर देखो, इसको एफ ऑक्स मान लीजिए, इसको जी फॉक्स मानिए। अब जब एफ ऑफ एक्स मानिएगा तो इसका वैल्यू रखें आप ये 1, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 और +1, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉट पाई हो जाएगा, 1 रखेंगे तो कॉट पाई की वैल्यू होता है इन्फाइनाइट, तो ये 0 × ∞ के फॉर्म में है अभी आपका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि ये इंटू में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, उस फॉर्म में लिखें लिमिट x टेंस टू 1 और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट करेंगे भी तो पुट कर लेंगे, क्या यहाँ पुट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच या ए माइनस एच, तो x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एच, तो a के स्थान पे क्या है 1 है, 1 माइनस एच हो गया, x बराबर से 1 माइनस एच पुट कर दें, तो ये 1 माइनस एच हो गया आपका, और जहाँ भी ये है टर्म उसको, और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बटे में लिखेंगे, ठीक है, तो रुकिए इसको बाद में पुट करते हैं थोड़ा सा, तो x टेंस टू 1 कर देते हैं, तो ये 1 प्लस कॉस पाई एक्स हो गया, नीचे ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर पाई एक्स, कोई दिक्कत, 1 बाय इतना लिखे तो फिर अगेन जाके तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस एच को, ठीक है, ए माइनस एच। अब एक्स बराबर क्या, एक स्थान पे क्या है वन, वन माइनस एच। अब यहाँ भी एक्स है, वहाँ पे क्या करेंगे वन माइनस एच को पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन माइनस एच टेंस टू वन, और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस पाए वन माइनस एच। अब बाय क्या हो जाएगा आपका कॉट पाए वन माइनस एच, अब पूरी में कितना है और स्क्वायर है। नाउ ये क्या हो जाएगा आपका एच टेंस टू जीरो हो जाएगा आपका, और ऊपर में क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस कॉस, और पाए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसको यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, तो ये पाए हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा पाए इंटू एच आ जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया हूँ। तो अब क्या हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस पाई एच हो गया। ओके नेक्स्ट वो देखिए यहाँ पे कॉट 180 माइनस, अगेन यहाँ पे उसी तरह से हम कर सकते हैं क्या कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए सपोज पाए माइनस, इसको क्या हो जाएगा पाए इंटू एच हो जाएगा, तो ये भी कॉट 180 माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन पाए एच हो गया, तो ये क्या हो गया स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसको यहीं पे मैं लिखता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एच कॉस पाए एच बाय क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर पाए एच हो जाएगा। ओके अब इसको फार्मूले पे ले आते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस पाए एच, और नीचे क्या होना चाहिए अगर पाए एच का होल स्क्वायर हो जाए तो फिर इसका वैल्यू आपको पता है कि वन माइनस कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर एक कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर अगर होता है तो क्या होता है उसकी वैल्यू वन बाई टू होता है। इसी तरह से हम इसको लाने के यहाँ पे थीटा के स्थान पे पाए एच है तो पाए एच से स्क्वायर कर दिए, तो बैलेंस भी तो करना पड़ेगा आपको, तो पाए एच से क्या किया स्क्वायर, यहाँ बैलेंस भी कर दिए, नीचे क्या है टेन, टेन पाए एच का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या किए पाए एच लगा दिए और इसको स्क्वायर कर दिए, तो बैलेंस भी तो आपको करना होगा, पाए एच स्क्वायर कर दिए सॉरी। अब इसकी ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो गया वन बाई टू, और आपको इसका वैल्यू आपको पता है क्या होगा वन हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी टोटल वन बाई टू। तो देखिए ये सब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं, अगर इस सब का वैल्यू अगर आपको पता है डायरेक्ट तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको याद नहीं करना है, ये क्या है बिना याद किए हुए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आप एडजस्ट करने के लिए सीख जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नहीं तो आज मैं इतना पे ही क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट डे फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो टेक केयर एंड बाय।